कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी हुई बहुत ही ज्यादा गंभीर, बदली चुनावी रणनीति। कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसी को राज्य में भाजपा कमजोर देखने को मिल रही है, तो किसी को महागठबंधन की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो किसी की ये 2019 लोकसभा चुनाव की झांकी नजर आ रही है। पर उपचुनाव कभी भी मुख्य चुनाव जितना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जनता के मन में वोट देने के वक्त मुख्य चुनाव जैसी फीलिंग्स नहीं आती हैं। इसीलिए किसी भी उपचुनाव में किसी पार्टी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बात कर्नाटक की करें तो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। ये अलग बात है कि पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाया था, फिर भी भाजपा ने दिखा दिया था कि कर्नाटक में भाजपा कमजोर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस उपचुनाव के नतीजों को राज्यों में अपना माहौल बनाने में इस्तेमाल करेगी। वहीं भाजपा की कोशिश इन राज्यों में अपने काडर और समर्थक वर्ग को एकजुट करने की होगी। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजों के बाद बीएस येदियुरप्पा का ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नतीजे भाजपा के लिए चेतावनी है। पार्टी को सही दिशा में काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दरअसल बीते कुछ सालों में विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में अधिकांश में नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं रहे हैं। हालांकि राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा विरोधियों पर भारी पड़ी है, इसलिए भाजपा ने इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया था। इसलिए एक उम्मीद भाजपा समर्थकों में होगी कि मोदी प्रचार में उतरेंगे तो स्थिति बदल जाएगी, किंतु तत्काल राजनीतिक माहौल बनाने में ऐसे परिणामों की अहम भूमिका होती है। आगामी विधानसभा चुनावों पर कर्नाटक उपचुनाव का प्रभाव पर भाजपा बोली कि ये नतीजे दक्षिण के हैं और चुनाव उत्तर में होने जा रहे हैं। दोनों क्षेत्रों की राजनीति व मुद्दे अलग अलग हैं। भाजपा का मानना है कि इनसे भाजपा कार्यकर्ता और ताकत एकजुट होगा। भाजपा बोली कि कार्यकर्ता अपने से नाराज हो सकता है, लेकिन वह अपनी पार्टी की जगह विरोधी पार्टी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश व राजस्थान में जो कार्यकर्ताओं व भाजपा समर्थकों से नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उनमें इस हार से बेचैनी होगी और सभी मिलकर भाजपा को जिताने की पूरी ताकत से जुटेंगे। कुल मिलाकर भाजपा इस हार के दूरगामी परिणाम देख रही है। हालांकि कर्नाटक उपचुनाव का लोकसभा और विधानसभा चुनावों से कोई भी लेना देना नहीं था। चुनावी राज्यों में कांग्रेस गठबंधन कलह से जूझ रही थी, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन एकजुट होती नहीं दिख रही है, इसलिए भाजपा ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा ने इस उपचुनाव हार से बहुत ही बड़ा सबक सीखा है, और जो सबक उन्होंने इस हार से सीखा है उसका असर 2019 लोकसभा चुनाव पर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इतना कहना निश्चित होगा। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने अभी बाकी है उसको लेकर सभी पार्टियां बहुत ही ज्यादा कोशिशों में लगी हुई है, अपने आप को आगे करने में लगी हुई है, और इसको लेकर भाजपा बहुत ही ज्यादा चिंतित भी है। लेकिन उनको मोदी पर और अपनी जो एकजुटता है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि कहीं ना कहीं मोदी किसी भी राज्य में जो हारी हुई बाजी है उसको भी जीत सकते हैं, इतना उनको भरोसा है मोदी लहर पर। तो देखा जाएगा कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है, इसको लेकर मोदी क्या कर पाते हैं और अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता काबिज करने के लिए वो क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे लोगों को लुभाते हैं, तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम जल्द लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे जाएं और टुडेज की आपको जरूर डाउनलोड करें।